हाय गाइज, आप कैसे हैं? गाइज, मैं हूँ आपका मेडिकल नॉलेज दोस्त डॉक्टर नेमीचंद निनावे। गाइज, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हार्ड बर्न एक डिजीज है उसका नॉलेज देंगे। गाइज, WHO के अनुसार, WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, इसका हिंदी में अर्थ होता है विश्व हेल्थ संगठन। दोस्तों, विश्व हेल्थ संगठन के अनुसार, उसी के नॉलेज के अनुसार, जब विदेही आदि पदार्थों के सेवन से पित्त में अम्ल एसिड के गुणों की अति वृद्धि हो जाती है तो उसे हार्ड बर्न कहते हैं। द इज अ बर्निंग रेस्ट्रेशनल सेंसेशन मूसवली ड्यू टू इन इन्फ्लामेशन ऑफ द ईसोफेगस एज इन रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस समटाइम डिस मोटिलिटी ऑफ द ईसोफेगस प्रोड्यूस अ सिमिलर सेंसेशन। हाई बर्न मे बी डिफाइंड एज बर्निंग सेंसेशन इन द एपिगेस्टम टू डू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एसिड। कहने का मतलब है भोजन का नहीं पाचन नहीं होना होने से आमाशय अधिक उत्तेजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। यह प्रोडक्शन कई बीमारियों को जन्म देता है। अब हम हार्ड बर्न के कारणों को आगे वीडियो में बताते हैं। गाइज, इसमें पहला कारण है हार्ड बर्न का आमाशय में अधिक एसिड का होना। दूसरा कारण है पेनक्रियास में एसिड का अधिक होना। तीसरा कारण है अधिक शराब का सेवन। चौथा कारण है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का ठीक प्रकार से नहीं पचना। पांचवा कारण है चटपटा भोजन करना। छठवां कारण है चर्बी कच्चा मांस खाना। सातवां कारण है पित्ताशय जीर्ण होना। आठवां कारण है ग्रसनी अवरोध। दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हार्ड बर्न होता है। अब हम हार्ड बर्न की लक्षण कौन कौन से है उसको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उसमें पहला कारण है पेट में जलन का होना। दूसरा कारण है मुख में बार बार पानी का आना। तीसरा कारण है भोजन करने की इच्छा नहीं होना। चौथा कारण है खट्टी खट्टी डकारे आना। पांचवा कारण है हृदय में बेचैनी का होना। छठवा कारण है हृदय की धड़कन का बढ़ जाना। सातवा कारण है मुंह का स्वाद खराब रहना। आठवा कारण है आमाशय में दर्द एवं नाभि प्रदेश में पीड़ा का होना। नौवां कारण है दस्त की शिकायत होना। दसवां कारण है पेट में गैस का अधिक बनना। दोस्तों, ये कुछ पर्टिकुलर कारण है। अब हम सरलता से भोजन पचने वाला भोजन को आगे वीडियो में बताएंगे, जिसकी वजह से आपको हार्ड बर्न की बीमारी नहीं होगी। दोस्तों,
पुराना चावल जो पश्चार है, जो फायदेजनक है, जौ, गेहूँ, मूंग, आंवले का अचार, मुनक्का, किशमिश, परवल, करेला, पालक, चौरई, लौकी, तोरई, दूध, मक्खन, घी, जीरा, सेंधा नमक और मीठे फल। दोस्तों, ये हार्ड वर्ण होने पर इनका प्रयोग करने से हार्ड वर्ण कम हो जाता है। अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। गाइज, हार्ड वर्ण की एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है जिसे एसिलोक टेबलेट, जो 150 mg की आती है, और एसिलाक टेबलेट 300 mg के फॉर्म में भी आती है। इसे केडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। इसकी एक टेबलेट सुबह खाली पेट एवं एक टेबलेट रात को खाली पेट लेने से स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है। गाइज, दूसरी मेडिसिन है फेडीन, जो 20 mg 40 mg के फार्म में बनती है। इसे इंटास कंपनी बनाती है। इसकी एक टेबलेट 40 mg सुबह खाली पेट एवं एक टेबलेट 40 mg रात को डिनर के बाद लेने से एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। दूसरी मेडिसिन है ओमेज कैप्सूल, जो 20 mg एवं 40 mg के फॉर्म में आती है, जिसका निर्माण केडिला HCL कंपनी बनाती है। इसकी एक 40 mg की टेबलेट सुबह खाली पेट एवं एक 40 mg की टेबलेट रात को लेने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, जब हार्ड वर्ण होता है उस स्थिति में पौष्टिक आहार के कारण ब्लड कुछ मात्रा में घट जाता है। इसके लिए तीसरी मेडिसिन लेना अर्जेंट हो जाता है। दो गाइस, तीसरी मेडिसिन है डेक्सोरेंज सिरप, जो फ्रैंक इंडिया कंपनी बनाती है, और फिपोल कैप्सूल, जो केडिला कंपनी बनाती है। सिरप और टेबलेट को सुबह भोजन के बाद एवं रात को डिनर के बाद लेने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, रिसर्च के दौरान अमाशय में हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है। यदि इसके कारण रिफ्लेक्स डिजीज है तो आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक लेना होगा, जिसमें पहला एंटीबायोटिक है सिप्रोविन 500 mg टेबलेट, जो एलम्बिक कंपनी बनाती है। इसकी एक टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद एवं रात्रि एक टेबलेट खाना खाने के बाद लेने से एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। दूसरी टेबलेट है दोस्तों टैक्सिम, जो 200 mg के फॉर्म में आती है। इसको एबॉट कंपनी बनाती है। इसकी भी एक टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद एवं एक टेबलेट रात को सोते समय लेने से एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। गाइज, ये आपको इसकी जानकारी और हम आगे वीडियो में देंगे। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। यदि गाइज मेरे इस मेडिकल नॉलेज चैनल की दवाओं से संतुष्ट है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस को
लाते रहता हूँ। एंड यदि कोई क्वेरी है या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसका जवाब आने वाली अपनी दूसरी वीडियो में दूंगा। जय हिंद।